संघर्ष पिता से सीखिए और संस्कार माँ से। बाकी कपड़े और बर्तन धोना तो पत्नी सिखाई देगी। रुको जरा, सबर करो। अच्छा एक बात बोलूं? बोलो। मैं जब भी मायके जाती हूँ ना, तो तुम मुझे इतना लेट क्यों लेने आते हो? और जब भी मायके होती हूँ तो तुम मुझसे फोन पे बात भी नहीं करते हो। देखो ऐसा होता है कि जब तुम मायके जाती हो ना, तो तुम्हारी वैल्यू ना बहुत बढ़ जाती है। वो कैसे? क्योंकि तुम उस टाइम मुझसे दूर होती हो ना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और जब इंसान दूर होता है ना, तभी उसकी असली वैल्यू पता लगती है। उसकी असली अहमियत, असली वैल्यू तभी पता लगती है। उसकी कद्र बढ़ जाती है। और मैं तो पता है क्या सोच रहा हूँ कि तुम्हें फिर दोबारा जल्दी मायके भेज दूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी और कद्र करना चाहता हूँ। तभी तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी ना। क्या बात कर रहे बाबा? चल झूठ। I am sorry, Babu. Happy Teachers Day, मैडम जी। अरे मैं तेरी टीचर थोड़ी हूँ। अरे भगवान, तने भी जिंदगी में बहुत पाठ पढ़ाए हैं, एक फूल तेरा ही बने हैं। सुनो जी, मैं सोच रही हूँ कि रक्तदान कराऊं। तो इतना ज्यादा पीती ही क्यों हो जो रक्तदान करना पड़े? चलो आज ड्रामनी फिल्म देखें। ठीक है, अलमारी से शादी की वीडियो निकाल लो।